यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही सारा दंगा हुआ था। 24 तारीख की शाम को उन्होंने अपनी फैमिली से आखिरी बार बात की थी। उन्होंने बताया कि उन पर हमला किया गया है करावल नगर के पास। उनके रिश्तेदार हैं हमारे साथ मोहम्मद नफीस, उनसे बात करते हैं, उस संबंधी कोशिश करते हैं क्या हुआ था। 4 बच्चे हैं फिरोज के। नफीस साहब, ये बताइए कि अब 24 तारीख को क्या आपको फोन आया था, क्या आपकी बात हुई थी और क्या वाकयात हुआ पूरा? 24 तारीख को हमें तो ये पता था कि हमारे जीजा मार्केट गए हुए हैं, लेकिन जब वो वापस देर रात तक नहीं लौटे तो हमें रात को 11 बजे फोन आता है, किसी बंदे ने, नाम है उनका बद्रे आलम, उन्होंने अपने फोन से फोन कराया कि भाई फिरोज हमारे पास हैं और इन्होंने भीड़ दंगाई, भीड़ ने बहुत ज्यादा इनको मारा है, हद तक इतना मारा है कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए हैं, एक राइट आर्ट की क्षतिग्रस्त हो गई है, बहुत बुरी हालत में है। फिरोज ने अपनी पत्नी से भी बात की है, उन्होंने सारा माजरा सारा वाकया तब बताया हमें, तब उसको पता चला कि भीड़ की दंगाइयों ने उनके साथ ये किया है। लेकिन रात भर वो वहीं छुपे रहे, सुबह जब हुई, सुबह कोई तकरीबन 9:30 बजे उनके घर में फिर से भीड़ घुसी। अगले दिन दोबारा हमला होता है। 25 तारीख की सुबह 9:30 बजे फिर से घर में भीड़ घुसी। उस रात को तीसरी बार भीड़ जब आई, कॉलोनी के कुछ लड़कों ने उनको खींच के बाहर निकाला और उनको वहीं मारा, यानी कि हत्या, उनका मर्डर कर दिया। फिर उसको घसीटते हुए बाहर लेके गए और फिर उसके बाद हमें पता नहीं उनकी बॉडी का उन्होंने क्या किया है। हम पुलिस में भी जा रहे हैं, 4 दिन पुलिस में जाते जाते हो गए, आज भी हम थाना करावल नगर से आए हैं, हमारा बयान लेने में भी आनाकानी की जा रही है, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने फिर भी बयान दर्ज कराया, लेकिन उस पर दस्तखत या साइन कुछ भी नहीं हुआ, ना हमें कुछ बताया गया कि बाद में देखेंगे। हमारे पास ना कोई प्रशासनिक के लिए कोई आया दिलासा देने के लिए, सद्भावना देने के लिए भी कोई बंदा नहीं पहुंचा है, ना पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन है अभी तक, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कम हमें उनकी बॉडी तो बरामद करी जाए, जिससे हम उनका कफन दफन जो आखिरी संस्कार के काम है वो पूरे हो सके। उनके फैमिली में कौन कौन है? उनकी फैमिली में उनकी वाइफ है, 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे। क्या काम करते हैं? काम वही मजदूरी का काम है, चुन्नी बनाते हैं और वहां मार्केट में देते हैं चांदनी चौक। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप, मैं जैसे मैंने कहा 15 दिन हो गए उनको नहीं आपका कांटेक्ट हो पाया है, ये मैं समझना चाहूंगा कि जब 24 तारीख को उनके ऊपर हमला हुआ तो 25 तारीख को आपने कोशिश की कि वहां जाके उनको लेकर आ सके? हमने ये कहा उनसे, हमने रिपीट कॉल की उनको, बद्रे आलम को, कि हम इनको लेने आ रहे हैं। बद्रे आलम ने हमसे साफ मना कर दिया कि यहाँ का माहौल बहुत खराब है, आप आ नहीं सकते, आप आएंगे तो आप भी जिंदा वापस नहीं जाएंगे। तो खौफ की वजह से, डर की वजह से हम नहीं जा पाए, जिन्होंने वहां रखा था उनको, उन्होंने हमें मना किया है, वो उन्होंने लिखित रूप में आज पुलिस स्टेशन भी दिया है यही बयान। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो फिरोज हैं उनके ऊपर 2 बार हमला हुआ, एक 24 तारीख को, एक 25 तारीख को, जैसा कि परिवार दावा कर रहा है। परिवार का साफ तौर पे कहना है कि उनकी वो सिर्फ चाहते हैं कि उनको कफन दफन के लिए, जैसे कि क्लेम किया जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई है, तो कम से कम उनकी बॉडी दी जाए ताकि उनका अंतिम जो रिचुअल्स हैं वो कर सकें। मैं राहुल गौतम, गाजियाबाद से, गो न्यूज़ के लिए।